Good morning, class 3rd. Let me start in chapter 11, the solar system. Our solar system consists of the sun, the moon, stars and the planets. जो अपना solar system है वो कौन क्या क्या चीज consist करता है? The sun, the moon and stars और the planets. इन सब से मिलकर ही अपना solar system पूरा अपना complete होता है. The sun is a star found at the center of the solar system. जो sun है वो कहाँ पाया जाता है अपने solar system में? बिल्कुल center में, सबसे center में solar system में sun होता है. It is a huge ball of fire that gives us heat and light. ये क्या होता है? sun क्या होता है? एक huge ball of fire, आग का गोला है जो हमें क्या देता है? heat और light देता है. The sun supports life on the earth because it is the main source of energy. जो sun है वो life को support करता है और earth पर, इसीलिए earth पर अपना life है, earth पर अपना जीवन है, क्योंकि जीवन जीने के लिए sunlight, water, land, air ये सभी होने बहुत essential होते हैं. फिर आता है planets. The heavenly bodies that move around the sun are called planets. जो heavenly bodies होती है और sun के चारों ओर move करती है, उनके और चारों चक्कर लगाती है, उन्हें हम planets कहते हैं. There are 8 planets in our solar system. 8 planets हैं अपने solar system में. उनके name हैं Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये 8 प्लैनेट्स हैं जो कि मिलकर पूरा सोलर सिस्टम को डेवलप करते हैं. फिर है द मून. द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. एक जो मून है वो ही एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है. इट गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन. इसको जो लाइट मिलती है वो सन के थ्रू मिलती है. From the earth we see only the part of moon which is lit up by the sunlight. The moon revolves around the earth. जो moon है वो earth के चारों ओर revolves करता है. It takes about 28 days to go around the earth. उसको कितना time लगता है? 28 days में वो revolves करता है earth की. During rotation moon changes shape. और इसी rotation के दौरान moon अपना shape चेंज करता रहता है. द डिफरेंट शेप्स ऑफ मून आर कॉल्ड एज फेजेस. और ये जो डिफरेंट शेप्स होते हैं मून के, उनको हम क्या कहते हैं? फेजेस कहते हैं. जब मून अपने शेप डिफरेंट तरीके से चेंज करता रहता है, उनको हम फेजेस कहते हैं. द फर्स्ट फेज ऑफ मून इज कॉल्ड न्यू मून. जब मून अपना फर्स्ट शेप चेंज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं. द लाइटिंग साइड ऑफ द मून फेसेस अवे फ्रॉम द अर्थ. जो लाइट साइड होता है वो अपना फेस किसके साइड होता है? अर्थ के साइड. द मून दैट वी सी इज कम्प्लीटली डार्क. और हमें वो साइड जो लाइट साइड है वो तो अर्थ की तरफ रहता है, और जो हमें लाइट साइड नहीं होता वहां पे पूरा डार्क दिखता है हमें. इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सन. ये किस लिए पॉसिबल है? जब सन की वजह से. अर्थ एंड मून लाई इन अ स्ट्रेट लाइन. जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तब ये चीज पॉसिबल होती है. आफ्टर न्यू मून द लाइटिंग पोर्शन ऑफ द मून स्टार्ट इंक्रीजिंग. जैसे ही न्यू मून के बाद में लाइटिंग पोर्शन आना स्टार्ट होता है तो मून स्टार्टेड इंक्रीजिंग. और मून इंक्रीज होता हुआ नजर आता है. वी सी अ स्मॉल पार्ट ऑफ मून कॉल्ड क्रिसेंट मून. जब से छोटा स्मॉल पार्ट हमें दिखाई देता है उसे हम क्रिसेंट मून कहते हैं. क्या कहते हैं? क्रिसेंट मून कहते हैं. फिर है क्रिसेंट मून ग्रोस टिल इट बिकम हाफ लाइटेड. धीरे धीरे क्रिसेंट मून ग्रोस करता है और हाफ लाइटेड पोर्शन पर. नाउ वी कैन सी हाफ लाइटेड पोर्शन ऑफ द मून कॉल्ड हाफ मून. उसको हम हाफ मून कहते हैं. When we see more than half the portion of moon lighted, it is called gibbous moon. After the gibbous moon, we see the full lighted moon called full moon. Full moon जब होता है, जब पूर्णिमा वाला दिन जो होता है, उसे full moon कहते हैं. After the full moon, the lighted portion of moon start decreasing. जैसे ही full moon हो जाता है, फिर वापस से moon अपना
जो फेजेस हैं वो डिक्रीज होने जाते हैं, मतलब उसकी जो शेप में है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, डिक्रीजिंग एंड फाइनली बैक द न्यू मून, और फिर उसके बाद में वापस वो अपने फर्स्ट फेज पे आता है यानी कि न्यू मून पे आ जाता है। द स्टार्स, वी सी मैनी स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई, आपने भी देखे होंगे स्टार्स देखे होंगे स्काई में रात को ट्विंकलिंग करते हुए टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। स्टार आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर, स्टार्स क्या है, एक ह्यूज बॉल ऑफ फायर आग के गोले जैसे ही है। सम स्टार फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ पैटर्न इन द स्काई, कुछ स्टार एक स्पेशल टाइप के होते हैं जो कि स्काई में हमको अलग से नजर आते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर टुगेदर कॉल्ड कंस्टेलेशंस, और कुछ स्टार ग्रुप बना के हमको स्काई में नजर आते हैं, उन्हें कंसल्टेशंस कहते हैं। देयर आर मेनी कंसल्टेशन इन द स्काई, कई कंसल्टेशंस हम स्काई में देख सकते हैं। पीपल विल स्टडी अबाउट हेवनली बॉडीज लाइक सन मून प्लैनेट्स एंड स्टार्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनोमर्स, जो लोग सन मून प्लैनेट और स्टार की स्टडी करते हैं, इन सब्जेक्ट पे स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनोमर्स कहते हैं। आपके बुक में एक पिक्चर नजर आ रही है, उसमें एक डायरेक्ट है डूइंग इन द पिक्चर, डायरेक्ट इज यूजिंग इन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टेलीस्कोप, वो एक टेलीस्कोप का यूज कर रहा है क्योंकि उसको दूर की चीजें नजर नहीं आ रही है। लुक एट द मून एंड स्टार, वो टेलीस्कोप की हेल्प से मून और स्टार को देख रहा है क्योंकि स्काई में बहुत दूर होते हैं, वो हमको इजिली दिखाई नहीं देते हैं, तो हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम ये सब चीजें पास में देख सकते हैं। और टेलीस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी फॉर फार ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक द सन द मून एंड प्लैनेट एंड स्टार, टेलीस्कोप की हेल्प क्यों लेते हैं हम, ताकि हमें जो बहुत दूर की चीजें वो पास में नजर आए। ओके, थैंक यू, आई होप अंडरस्टैंड योर चैप्टर, थैंक यू।